वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नीट पीटी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में रिगार्डिंग योर काउंसलिंग अपडेट। जी हां, एमसीसी की काउंसलिंग शेड्यूल ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी थी। द अर्लियर जो शेड्यूल थी वो आपकी अनऑफिशियल वे में ऑफिशियल थी, ये भी हमने वीडियो बना के आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि चीजें क्या रहेंगी। आज के डेट पे आपकी कोर्ट केस की हेयरिंग थी, इसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट आए थे, इन्फॉर्मेशन आया था, मल्टीपल लोगों का कहना था कि स्टे ऑर्डर आया है, हमने क्या हुआ था वो ऑलरेडी मैंने उस प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था। एंड वी हैव क्लियरली स्टेटेड कि अगर एमसीसी या यहां पे काउंसलिंग अथॉरिटी या जो अथॉरिटीज हैं वो चाहे तो काउंसलिंग आपकी बिगिन कर सकते हैं। एंड द नो डाउट योर नीट पीजी 2024 एमसीसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपका आज की डेट से 5 बजे के बाद बिगिन हो जाएगा। यहां पे बात करूं ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग और बाकी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग की सर्विसेज देख रहे हो, मैनेजमेंट सीटें देख रहे हो, एनआरआई सीटें देख रहे हो, कहां पे मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग प्रोसीड करना चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए हमारा जो पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज है उसको आप अवेल कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट्स हैं बट अभी भी हमने ओपन करके रखे हैं, अगर आप देख रहे हो तो कॉन्टेक्ट करके पेमेंट करके प्रोसीड कर सकते हो। बात करूं आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तो आज की डेट में आफ्टर द 5 PM, जी हां आज की डेट में रजिस्ट्रेशन आपका एमसीसी की जो रजिस्ट्रेशन होती है ऑल इंडिया के लिए 50% ऑल इंडिया कोटा, डेट इज डीएनबी एंड डिप्लोमा की सीटें, डीएनबी एंड एनबी डिप्लोमा की सीटें अगर आप देख रहे हो, डीएनबी डिप्लोमा प्लस एनबी डिप्लोमा इसकी सीटें देख रहे हो, 50% गवर्नमेंट की ऑल इंडिया कोटा की सीटें देख रहे हो, प्लस 100% डीम यूनिवर्सिटीज की अगर आप सीटें देख रहे हो, तो इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन 5 बजे के बाद ओपन होगा उसको रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट्स में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग डिफरेंट होगी, उसकी बात अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मोस्ट प्रोबेबली विद इन 48 आवर मैक्सिमम स्टेट्स के शेड्यूल और बाकी चीजें आ जाएंगी। एमसीसी की जो शेड्यूल है वो अभी तक क्लियर कट नहीं आई है, वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल है, बट मान के चले विद इन 24 आवर वो भी अवेलेबल हो जाएगा। चॉइस फिलिंग की बात करूं या सीट मैट्रिक्स की मैं बात करूं, मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन के बाद, आज की डेट पे चांसेस कम है, हो सकता है कल की डेट पे, आइदर कल आपका सैटरडे, सैटरडे लेट इवनिंग और संडे अर्ली मॉर्निंग या नून तक आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट योर चॉइस फिलिंग द प्रोसेस फॉर योर चॉइस फिलिंग विल बी स्टार्टेड। तब तक के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, 5 बजे के बाद ओपन हो जाएगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो कर सकते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैं बात करूं तो 2 लाख आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी अगर आप डीम यूनिवर्सिटीज के लिए सीटें देख रहे हो। अगर सिर्फ आपको गवर्नमेंट सीटों के लिए अप्लाई करना है या सिर्फ गवर्नमेंट सीटों के लिए काउंसलिंग करनी है तो नो डाउट आप सिर्फ और सिर्फ 20,000, ये जनरल के मैं बता रहा हूँ, वो पेमेंट करके भी आप प्रोसेस कर सकते हो। एंड बाकी डिटेल्स कैसे करनी है, क्या करनी है, ये पेड एंड प्रीमियम अवेलेबल है। बट जो र्यूमर्स चल रहे थे, जो चीजें चल रही थी कि स्टे ऑर्डर लगा है, एक्स वाई जेड बोलना था कि अथॉरिटीज से अपडेट नहीं आएगा, अथॉरिटीज से ही प्रोविजन लेना होगा, वी हैव क्लियरली मेंशन उस वीडियोस पे, कमेंट भी आए थे, मल्टीपल चीजें हो रही थी, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, लोगों के अलग अलग प्रेडिक्शंस भी थे, बट हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, इवनिंग तक शेड्यूल आपको आ जाएगा। द सेम थिंग हैपेंड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बिगन। इवन जो आफ्टरनून की वीडियो अपलोड की वहां पे भी हमने आपको बताया डायरेक्ट वे में कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं आया है काउंसलिंग के रोकने के लिए, तो द प्रोसेस हैज बीन क्लियर, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन हो गई है। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं डेमो वीडियो की बात करूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर देंगे, वहां से देखिए आप इजिली अपलोड कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेमेंट्स कैसे करना चाहिए, ये तमाम डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, तो एक बार उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे तो व्हाट्सएप नंबर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑफिशियली आज की डेट से आपकी काउंसलिंग बिगिन हो रही है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर पीजी 2024 काउंसलिंग सेशन। नो डाउट थोड़ा वेट करिए, कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन 100% आएंगे जो हम कॉन्टिन्यूसली सिंस द बिगिनिंग बोल रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।